अरे रुको रुको मिट्टू, यहाँ बिजली का तार है, थोड़ा बचा के चलो। हम लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, जा रहे हैं घर। चलिए घर चलते रितु, चलो घर। मम्मी हम लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, क्या हो गया? बिजली का तार और गड्ढा बहुत बड़ा है, अब ये तो गिरते गिरते पता है इतना बड़ा गड्ढा है। हाँ पढ़ने नहीं जाएंगे। कुसुम प्रेजेंट मैम, मोना प्रेजेंट मैम, ऋषु एब्सेंट मैम, नहीं आई है, अच्छा प्रिया वो भी एब्सेंट है, वो भी एब्सेंट है, अच्छा आरती ये प्रिया और वो मोना क्यों नहीं आई है, तो डेली आती है, मालूम नहीं है, पता नहीं है। पावर इंजन होना को स्कूल की तो पता होना चाहिए था ना, जाके पता करके आओ कि क्यों नहीं आई है दोनों। गई तो थी बेटा, लेकिन वो गड्ढा रास्ते में इतना गड्ढे में गिरते गिरते बची, और शायद कोई बिजली का तार है, अच्छा तो उससे भी करंट लग गया था, झटका हल्का सा लगा है, कह रही नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो चलिए बताते हैं। क्या हो बेटा? मैं बता रही हूँ ना कि रास्ते में एक गड्ढा है बड़ा सा, और एक बिजली का तार भी गिरा हुआ है, तो उससे उनको करंट लगते लगते बचा है, और इसीलिए वो पढ़ने दोनों नहीं आई है। अच्छा ठीक है, अभी हम सभा सबको फोन करते हैं इसके बारे में। बैठ जाओ चलो। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो हेलो सभा, कौन बोल रहा है? अरे स्कूल से टीचर बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा बताइए जी। अरे हमारे यहाँ गड्ढा स्कूल के पास है रास्ते में, वहाँ पड़ा और बिजली का तार भी गिरा हुआ है, उस वजह से बच्चे काफी नहीं आ रहे हैं, डेली आते हैं वो सब बच्चे, और बच्चे आ नहीं रहे हैं, तो जरा सा आप उसको, क्योंकि बच्चों को करंट लग सकता है। अच्छा अच्छा, हम अभी बात कर रहे हैं जी जी, उसको परेशान ना हो रही है अभी, आज ही तत्काल से अगर आप विद्यालय पे आ जाते तो चल के वहाँ अभिभावक से बात कर लेते। ठीक है ठीक है, हम आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम दोनों लोग मीना भी हो ना, बाबा है, चल के वहाँ पे लाल निशान भी लगा देंगे, ठीक है पत्रे का, ठीक है चलो। हाँ ये तो बहुत बड़ा गड्ढा है, तार भी है तो बच्चों का है, तार बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर कहीं करंट लग गया तो, जान का खतरा है, तुम लोग लगा दो तो यहाँ पे था खतरे का निशान, यहाँ पर लगा एक गड्ढे के पास लगा दो। लग गया यहाँ, चलिए बात कर लेते हैं। अरे आ नहीं रही बच्ची स्कूल, मैम हम लोग आए थे, इतना बड़ा गड्ढा है और बिजली का तार गिरा हुआ है, तुम लोग तो डेली आती है, इसको तो करंट भी लगने से बता। अच्छा हाँ, पढ़ने नहीं आओगी? क्यों नहीं आओ बेटा? क्या राधा है? अरे डरो नहीं डरो नहीं, सभा सर जी आ गए हैं, बात कर रही है, बात बोले आज ही बात कर जाएगा, ठीक है अब स्कूल आओगी? स्कूल लेने आएंगे, तुम अपनी बात नहीं है कि स्कूल आओगी? नहीं हम संतुष्ट है, बस आप गड्ढा वो पटवा दीजिए और जो तार है उसको सही करवा दीजिए, मेरे बच्चे तो वैसे भी स्कूल जाते हैं। ठीक है ठीक बेटा, अब परेशान ना हो तुम दोनों, ठीक है हम सब ने खाना है, खतरे को निपटाना है, हम सब खाना है।